मसीह खुदावंद जब पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ वो दुआ करते हैं और उनके पास मूसा और एलिया आते हैं और वो आकर उनकी तसल्ली के लिए बातें करते हैं और उनको तसल्ली देते हैं, उनको इत्मीनान देते हैं। ये क्या बात हुई? हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पर हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे YouTube के घराने के एक फ़र्द हैं यासिर बुरेट साहब। उन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने कहा कि जब हम मत्ती की इंजील उसका 17वां बाब देखते हैं तो इसकी इब्तदाई आयात में मसीह खुदावंद जब पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ वो दुआ करते हैं और उनके पास मूसा और एलिया आते हैं और वो आकर उनकी तसल्ली के लिए बातें करते हैं और उनको तसल्ली देते हैं, उनको इत्मीनान देते हैं। ये क्या बात हुई? आए हम इस हवाले को ज़रा गौर से पढ़ें। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है कि 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानिंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानिंद सफ़ेद हो गई और देखो मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यहाँ पर ना तो मसीह खुदावंद ने दुआ की और ना ही मसीह खुदावंद ने किसी से तसल्ली मांगी है। यहाँ ना लफ्ज़ तसल्ली इस्तेमाल हुआ, ना मूसा और एलिया ने मसीह खुदावंद को तसल्ली दी। इसलिए अगर हम खुद ही इस हवाले से ये बात अखज़ करना चाहते हैं कि यहाँ पर मसीह खुदावंद को मूसा और एलिया तसल्ली दे रहे थे तो मतन में लफ्ज़ तसल्ली इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए ये बात याद रखें कि यहाँ मूसा और एलिया मसीह खुदावंद के साथ गुफ्तगू ज़रूर कर रहे थे लेकिन यहाँ पर कहीं भी लफ्ज़ तसल्ली हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि मसीह खुदावंद खुद लोगों को तसल्ली और इत्मीनान देता है, उसे किसी की तसल्ली और इत्मीनान की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि यहाँ पर लफ्ज़ तसल्ली सिरे से ही मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई कहता है कि मसीह खुदावंद को मूसा और एलिया ने तसल्ली दी तो ये दरअसल इस हवाले में लिखा हुआ नहीं है। अगर किसी ने कहा है तो उसने शायद अपनी ही तरफ से ये बात कर दी है। शुक्रिया।